सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज का डिस्कशन क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि लास्ट लास्ट का हमारा समय बचा हुआ है, लगभग 20 दिन, कहीं कहीं तो बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट भी हो गए हैं या अगले 5-10 दिनों में हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास कम से कम 15 दिनों का समय बचा हुआ है, मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारी बातें बताई हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी ना, हमें स्ट्रैटेजी में फिक्स होकर चलना चाहिए, लेकिन अगर उस पर काम नहीं हो पा रहे, अगर हम उस स्ट्रैटेजी से अपना तालमेल नहीं बैठा पा रहे, समय समय पर हमें स्ट्रैटेजीज़ को अपनी बदलते रहना चाहिए। ये बातें आपकी पर्सनल हो सकती हैं कि आप कैसे करके किन चीज़ों को मॉडिफाई करो, किन चीज़ों को थोड़ा अपडेट करो, किन चीज़ों को मैंने बोल रखा है कैसे कैसे करो, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। यहाँ से एक रोड मैप आपको दिया जाता है, एक ब्लूप्रिंट आपको दिया जाता है कि यार इन इन बातों का ध्यान रखो। आज मैं आपके साथ एक रियलिटी डिस्कस करने आया हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्होंने पिछले अपने भाई बहनों से पूछा है, सीनियर्स को देखा है, उनको कई बार ऐसा लगता है कि यार हमारे बोर्ड में फेल नहीं होते। हो सकता है आपका स्टेट बोर्ड ना हो, आपका CBSE हो, ISC बोर्ड हो आपका, और आपके पास ऐसा हिस्ट्री रही हो कि आपने आज पढ़ो सुना हो कि फेल नहीं होते। लेकिन प्लीज़ ये बात को ध्यान रखो, फेल आराम से हो जाते हैं अगर आपने कुछ काम ना किया हो तो। अगर आप एग्जाम में जाओगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं लिख पाओगे या लिखोगे तो उल्टा लिखोगे, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अब इसमें स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट ये मत समझना कि उनके साथ नहीं हो सकती बात, उनके साथ तो होती ही है, फेल तो होते ही हैं। अब आप बोलोगे सर यार सुनाने के लिए बुला रखा क्या आपने हमें, क्या आप फेल हो जाओगे? देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छा अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग भी फेल तो नहीं होते, लेकिन उनकी मार्क्स इतने कम आ जाते हैं जो फेल के समान है। आपने सोचा हुआ कि मेरी 90+% आएगी, आप स्टेट बोर्ड के हो, CBSE बोर्ड के हो, कहीं के भी हो, लेकिन आपका परफॉर्मेंस फाइनली इतना गिर गया कि आप 60-70% आ रहे हो, तो मैं मानता हूँ वो फेल के समान ही है उस स्टूडेंट के लिए जिसकी एस्पायरेशन इतनी हाई थी। अब हमें फाइनली ये देखना है, मैं एक एक कर सिर्फ बहुत कम समय आपका लेने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा लिटरली आपको 5 फरवरी से, अगर हमने ये डिफाइन यहाँ पर कर रखा कि अगले 15 दिनों के अंदर, अब जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, अगले 15 दिनों के अंदर आपको इस तरीके से, इस शेड्यूल के साथ अपने टाइम को प्रॉपरली इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है जो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर, जिससे रिजल्ट निकलेंगे, रिजल्ट हवा में ही निकल जाएंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर मंजिल है तो रास्ते भी जरूर होंगे उसके। अगर आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन है, अगर आपको ये भी पता है कि वो टफ है, फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है, हिस्ट्री टफ है, मैथ्स टफ है, कॉमर्स टफ है, अगर आपको पता है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए टफ बन के आ रखा है, तो ध्यान रखना वो कि बहुत सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और वो कोई दूसरे गोले के लोग नहीं है, वो भी हमारे साथ के ही लोग हैं जिनके लिए वो इजी और स्कोरिंग है। हमें वो लूप होल ढूंढना पड़ेगा जिसके कारण हमें वो मुश्किल लग रहा है। हमने एक माइंडसेट अपना बना लिया है, हमारे लिए चीज़ें मुश्किल हो चुकी हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है नेपोलियन की, नेपोलियन बोनापार्ट, अपने नाम सुना होगा शायद, नेपोलियन के बारे में ये घटना मैंने सुनी है, कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन सुना मैंने यह है कि बचपन में जब नेपोलियन बहुत छोटा था, उसकी दादी उसको लेकर बैठी थी टोकरी वगैरह में, बकेट में, या हम कहें झूले वगैरह में डाल के रख रखा था नेपोलियन को। नेपोलियन छोटा था उस समय, वहाँ से एक बिल्ली गुजरी, दादी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, नेपोलियन ने बिल्ली को पहली बार देखा और वो बच्चा डर गया, और वो डरा ऐसा कि अब को हम आते हैं सीधे, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पूरी कहानी को। अब चल रखी है वाटरलू की लड़ाई 1815, जिस समय वो नेपोलियन यहाँ पर लड़ रहा है अभी, जो कि अभी तक कभी किसी से हारा ही नहीं है, जिसने बिल्कुल विश्व विजेता होने का डंका बजा दिया, जो अगला सिकंदर कहलाने वाला है, वो नेपोलियन यहाँ लड़ रहा है। जब दूसरी तरफ के सेनापतियों ने जब पता करने की कोशिश की कि यार इसकी वीकनेस ढूंढो, तो किसी को वो घटना याद आई, किसी को समझ में आया कि नेपोलियन को बिल्ली से डर लगता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सारे के सारे राज्य की बिल्लियों को छोड़ दिया गया, नेपोलियन तो बिल्लियां देख के ही डर गया, भाग गया और उसने हाथ पैर वहीं छोड़ दिया। कहानी जितनी सही हो, जितनी झूठी हो, कैसी भी हो, लेकिन ये एक बात हमें कह रही है, ये बात हमें ये कह रही है कि हो सकता है आप बिल्ली से ना डरते हो एक एग्जाम्पल के लिए, लेकिन कई लोग डरते हैं। सवाल बिल्ली का नहीं है, सवाल छिपकली का नहीं है, सवाल चूहे का नहीं है जिससे लोग डरते हैं, सवाल इस चीज का है कि जो एक बार आपने डर बनाकर जिसको अपने मन में बैठा लिया, उससे अब आप डरते ही रहोगे, क्योंकि एक अलग तरह का माइंडसेट आपने उसे दे दिया। असल में जहां हमारा ध्यान चला जाता है, वो चीज अपने आप में विकसित होने लग जाती है। मेरी बात समझिए प्लीज, जिस चीज पर आप ध्यान देने लग जाते हो, ध्यान यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हो, जिस चीज के बारे में आप सोचने लग जाते हो, वो पनपने लग जाती है। जैसे बीज में जब पानी पड़ने लग जाता है तो बीज उठ के पौधा बनने लग जाता है, ठीक उसी तरीके से जब आपका ध्यान किसी चीज़ पर पड़ने लग जाता है, वो चीज़ अब पनपने लग जाती है। इसी को कई कई लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कई कई लोग कहते हैं मैनिफेस्ट हो ये चीज़ें। तो जैसे बहुत बड़े बड़े हमने सुना हुआ है मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मानो या ना मानो इन चीज़ों को, मैं इतना कह रहा हूँ कि लोगों का कहना यह है कि हमने सोचा चीज़ के बारे में,
हमने अपने गोल्स को, टारगेट को, हमने क्या अचीव करना है उसको लिखा पेपर वगैरह में, और हमने देखा कि वो हो गए। वो ऐसे रातों रात नहीं हो गए कि आज वो रख के उन्होंने लिखा और तकिए के नीचे रख के सोए और अगले दिन हो गए। उसके पीछे उनके हार्डवर्क थे, नो डाउट, लेकिन लोगों का ये कहना है कि यार हमने मैनिफेस्ट होते हुए चीज़ों को देखा है, यानी हमने ऑब्जर्व किया है कि जिस चीज़ के बारे में हमने सोचना चालू किया, जिस चीज़ को पाने के लिए हमने कॉन्सेंट्रेट करना चालू किया, वो चीज़ हमें मिली। और ये बात सही है, इस मायनों में सही नहीं है कि एक चमत्कार है, इस मायनों में ये सही है कि जब आपने किसी चीज़ के बारे में चालू किया सोचना, ध्यान देना शुरू किया, तो बेसिकली आपकी वो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर जगह पर कॉन्सेंट्रेट होने लग गई, और उस कॉन्सेंट्रेट होने के जरिए अब आपका माइंड सेट बना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपका माइंड सेट बन गया उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। और जब किसी चीज में हम इनपुट डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलना ही मिलना है, वो तय है। कम मिले या ज्यादा मिले, जितना इनपुट डाला उसके हिसाब से आउटपुट आपको मिलेगा। आपने कम इनपुट डाले कम आउटपुट मिलेगा, कम ज्यादा इनपुट डाले ज्यादा आउटपुट मिलेगा। कहने का पूरा कहानी का एक ही मतलब है, वो सिर्फ ये है, पूरा का पूरा गेम आपके माइंड सेट का है, आप कैसे सोच रहे हो। एक बच्चा वो भी है जिसने पूरी बुक पढ़ ली, इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा एंजियस है, वो बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहा है। एक बच्चा वो भी है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, चिल्ल है, कूल है। आपको पता है ये वाला बच्चा जो कूल है ना, इसने भले ही नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं मानता हूं ये अभी ज्यादा बेटर चल रहा है सिचुएशन में। ये बताऊं क्या करेगा, ये जाएगा और पास भी हो जाएगा, जो उसने सोचा उससे थोड़े बहुत ज्यादा भी ले आएगा ये, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग पे भरोसा नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, ये इसने अपने दिमाग में एक अलग माइंडसेट बना के तैयार कर रखा है। कैसा माइंडसेट होगा इसका, इसने ऐसा बना के रख रखा है कि भाई नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। इसने अपने लिए एक पतली सी बुक लेके रख रखी है जिसमें इसने कहीं से सुना है कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। अब ये इन्हीं क्वेश्चंस को रटने में लगा, याद करने में लगा, जो भी कर रहा है कर रहा है, और नो डाउट क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़े ना चल रहा है ये कोई कि यहाँ पे क्वेश्चन नए बनेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप कर लोगे तो उनमें से 2-4-5-7 इतने बन ही जाते हैं, फंस ही जाते हैं, और वो बच्चा कर लेगा। किस्मत अच्छी अच्छी रहेगी तो ये सब कुछ हो भी जाएगा। और दूसरा वाला अपने परफॉर्मेंस को लगातार बिगाड़ता रहेगा, कैसे करके, वो ओवर थिंकिंग करेगा। आप थिंकिंग करो, ओवर थिंकिंग भी करो, लेकिन साथ में इनपुट्स भी तो लगाते रहो। आपने बिल्कुल हाथ पैर डाल के बैठ गए बिल्कुल आप, कि यार मुझे किताब छूनी नहीं, किताब देख के ही आपको डर लग रहा दूर से, और दिन आपकी आंखों के सामने जा रहे हैं, वो बेकार है। इसीलिए जरूरत है अभी जो मैं बता रहा हूँ वो करने की, समेटने की, अपने आप को समेटने की। आपने अभी तक तैयारी करी, देखो मैं समझ सकता हूँ आपने अभी तक पिछले काफ़ी टाइम से आपने तैयारी की होगी, मार्च अप्रैल से आप तैयारी में लग गए होंगे, पिछले 10-11 महीनों से आप तैयारी कर रहे होंगे लगातार ट्वेल्थ के लिए। हो सकता है ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हो जिनको आप धीरे धीरे महसूस हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है यार, मैंने जो कुछ पढ़ा हुआ मैं भूलता जा रहा हूँ, कैसे हो रहा है सब कुछ। अब वो किताबों की तरफ जब देख रहा है, देख रही है, तो उसको दिख रहा है इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें कैसे कवर करूं। और ये वो सिचुएशन है जब स्टूडेंट पूरी तरीके से एकदम होपलेस हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप एक नई शुरुआत करें, रीस्टार्ट करें सिचुएशंस को दोबारा से। अब होता क्या है, एग्जांपल के लिए आपने मैथ्स का कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लेते हैं मैं नाम नहीं ले रहा, कोई एक चैप्टर आपने मैथ्स का पहले पढ़ा हुआ था, आपको ईजी लग रहा था क्योंकि आपने उसके क्वेश्चंस वगैरह उन दिनों कर लिए थे आज से 2 महीने पहले। आज आप दोबारा लेकर बैठे उस चैप्टर को करने, और आप ये देख रहे हो कि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो नहीं हो रहा, दूसरा कर रहे हो नहीं कर रहा, तीसरा कर रहे हो नहीं हो रहा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग गया, डिमोटिवेशन आपके अंदर घुस चुका है। अब आप ये बोल रहे हो यार ये चैप्टर जो मैंने किया था ये मेरे से नहीं हो रहा, और अभी तो ऐसे ऐसे चैप्टर बचे जिनको मैंने छुआ नहीं है। अब ये सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है, अब ये तब होगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं रीस्टार्ट करो। कोई भी चैप्टर को उठाओगे जो मैं बताऊंगा जैसे जैसे करना है, उसको इस माइंडसेट के साथ उठाना है कि सर मैं इसको पहली बार उठा रहा हूँ। ये मान के नहीं चलना कि मैं रिविजन कर रहा हूँ, ये मान के चलना मैं फ्रेश तरीके से पढ़ रहा हूँ। आप सोचो इससे फर्क क्या पड़ेगा, मैं बताता हूँ। एक बच्चा वो है जो सोच रहा है मैं रिवीजन कर रहा हूँ, एक वो है जो सोच रहा है मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। रिवीजन वाले से जब क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, ये डिप्रेस होगा, ये स्ट्रेस में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको लगेगा ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका था, ये अपने को हाई लेवल में देख के देख रहा है, पहले से ये सोचता है कि मुझे आ रहा है और अब इसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नीचे गिरेगा। दूसरी तरफ एक और इंसान है, ये वाला जो रीस्टार्ट कर रहा है, अब ये तो ये मान के स्टार्ट कर रहा है कि मैं जीरो से पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में ये सच में जीरो से नहीं पढ़ रहा, असल में इसने कुछ चीजें पहले से पढ़ी। अब जब ये चीजें पढ़ेगा तो लिंक कर पाएगा, तो इसे एडवांटेज सा महसूस होगा। मुझे एक बात याद आती है, जो दुकानदार होते हैं ना, परचून की शॉप वाले, जो अच्छे दुकानदार होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, आप जानते हो क्या करते हैं? अगर आपको 1 किलो कोई सामान चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए ना, वो 1 किलो की जगह उनका इतना एक्सपीरियंस है कि उन्हें पता है कि 1 किलो में कितना क्या क्या होता है, वो 1 किलो यानी 1000 ग्राम ना डाल के आपके उसमें 800 ग्राम डालते हैं। कितना डालते हैं? 800 ग्राम, समझना मेरी बात को। उसके बाद वो क्या करते हैं, बगल से फिर से उस प्रोडक्ट को लेते हैं, 50 ग्राम और 50 ग्राम और बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, ऐसा करके 800 ग्राम आपके सामने आंखों के 1000 ग्राम करते हैं। जो नौसुखिया दुकानदार होता है, जो नौसुखिया बिजनेसमैन होता है, वो जानते हैं क्या करते हैं,
वो आता है, उसका ध्यान रहता नहीं है, उसे पता नहीं कि बहुत बड़ा काम अभी होने जा रहा है कस्टमर के सामने। वो क्या, वो आता है सीधे उठाता है बिना अंदाजे के, बिना कोई स्ट्रैटेजी के, स्ट्रैटेजी समझना थोड़ी देर बाद, वो उठाता है सीधे डालता है, वहाँ पहुँच गया रीडिंग 1200 ग्राम, फिर वो करता है कम 50 ग्राम कम, 100 ग्राम कम, फिर वो 1000 ग्राम में आता है। दोनों ने दिया 1 किलो, ये ध्यान रखें। लेकिन पहले वाले केस में अगर हम देखें कस्टमर पे क्या असर पड़ता होगा, सोचो कस्टमर पे सर ये असर पड़ता है कि यार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि 800 से 1000 जा रहा है कस्टमर के सामने, वो बढ़ रहा है प्रोडक्ट। दूसरे केस में कस्टमर के सामने यार ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, अल्टीमेटली अल्टीमेटली हुआ 1000 ग्राम ही है, बस देखने के नजरिए हैं, बस यही नजरों की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप रिवीजन के तौर पर यहाँ पर चीज़ों करने आओगे, आप पक्का भूले होगे बहुत सारी चीज़ें, और वो चीज़ें आपको मेंटल प्रेशर देंगी। दूसरी जगह जब आप रीस्टार्ट करने की सिचुएशन को लेकर आए होगे, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें भी अगर आएंगी तो आपको एडवांटेज देगी। अल्टीमेटली दोनों ही कंडीशन में आप ही हो, पढ़ने वाले आप ही हो, माइंडसेट चेंज होने के कारण सिचुएशंस बदल जाएंगी अंदर की। एक जगह आपको पॉजिटिव वाइब आएगी, एक जगह आपको नेगेटिव वाइब आएगी, ये फर्क पड़ जाता है। इस तरह की छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, तब जाकर रिजल्ट आते हैं। अभी फिलहाल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं हमें एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले नॉन वर्किंग आवर्स हमारे जो होंगे, जिसमें आप काम नहीं करोगे, ये मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं, प्लीज आप इसे अपने हिसाब से आगे पीछे कर लेना, ये मैं अपने पर्सनली अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हर किसी का बॉडी क्लॉक अलग अलग हो सकता है, आपको रात में पढ़ना सुबह पढ़ना सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अपने हिसाब से बोल रहा हूं कि मैं अगर बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा। नॉन वर्किंग आवर्स में पहले देख लूंगा 1 बजे से लेकर रात के या सुबह के, आप कहो सुबह के 8 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यानी मिडनाइट से लेकर 8 बजे तक का, वो मेरे लिए वो टाइम पीरियड है जिसमें मैं सोऊंगा, जिसमें मैं उठूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, ये मेरे लिए नॉन वर्किंग आवर्स की कैटेगरी में आएगा, जिसमें मैं प्रॉपरली रेस्ट दूंगा बॉडी को। वर्किंग आवर्स पूरी क्लॉक घुमा दो दोबारा, सुबह के 8 बजे से जब तक रात का मिडनाइट का 1 नहीं बज जाता, ये पूरा वर्किंग आवर है मेरे लिए मोटे तौर पर। इस टाइम पर ही मुझे सब कुछ करना है जो कुछ काम होते हैं, पढ़ना वगैरह उसके अलावा सारे काम। अब इस वर्किंग आवर को अगर हम डिवाइड करें 3 हिस्सों में, उसमें सबसे पहला हिस्सा होगा आपके पास एक्टिव आवर्स का। सुबह आप उठे मान लेते हैं 8 बजे, अपने अकॉर्डिंग समझना, मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। उस 8 बजे उठने के बाद 9 बजे तक जो कुछ करना है आपने अपना कर लिया, नाश्ता वगैरह जो कुछ करना है, उसके बाद का जो टाइम पीरियड आपके पास है, आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो, अभी ध्यान रखना, इसलिए नाश्ता करने में पूरा 1 घंटा मत बिता देना, कोशिश करो 8 से 8:30 के बीच में हो जाए सब कुछ। 8:30 बजे आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए, ये आपका बहुत वैसा टाइम है जो बहुत गोल्डन टाइम है, मुझे इसे कहना चाहिए उस दिन का गोल्डन टाइम है, क्योंकि इस समय चाहे आप पिछली रात कितने भी स्ट्रेस रहे हो, लेकिन ये आपको बहुत मोटिवेशन देने वाला टाइम है, ये शुरुआती टाइम। इसमें आप लगभग 4 से 5 घंटे अगर एक अच्छे एटीट्यूड के साथ बैठोगे तो 4 से 5 घंटे आराम से टिक सकते हो बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। एक बहुत फ्रेश टॉपिक को आपको इसमें पढ़ना होगा, जो आपने पहले ही रात में डिसाइड कर लिया होगा मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे 4-5 घंटे बीतेंगे, अब धीरे धीरे सिचुएशंस बदलेंगी और अब ये टाइम आएगा आपका जो लेस एक्टिव टाइम है। धीरे धीरे आपको बैठे बैठे थोड़ा सा अजीब सा होने लग जाएगा, आपको बैठे बैठे उठने का मन करेगा, मन सा नहीं लगेगा, मन चंचलता दिखाएगा, ये वो टाइम है जो लेस एक्टिव है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो और आपके सामने एक विजन है, इसीलिए आप इतनी जल्दी भी इसमें वो नहीं होगे, लेकिन फिर भी आप लेस एक्टिव अब हो ही चुके हो। तो ये वो टाइम है जब 1 से 2 घंटे का टाइम है। मैं कहता हूँ इस 1 से 2 घंटे के टाइम में अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हो बात को तो सो जाओ, क्योंकि आपको 2 ही काम करने हैं, सिर्फ सोना और पढ़ना है। बस सोना बार बार इसलिए सोना है ताकि मेंटल रेस्ट मिल सके अपने को, नैप टाइप की। जरूरी नहीं है 1 घंटे की पूरी नैप ले लो, 15 मिनट की नैप बहुत स्ट्रांग रहेगी अगर आप 15 मिनट के ले पा रहे हो। जितनी कम छोटी आप लोगे वो उतनी पावरफुल होगी, ध्यान रखना। अगर आप 2 घंटे सो गए नहीं, आपको आलस आएगा आप, लेकिन अगर आप 10 या 15 मिनट सोए बहुत इफेक्टिव नैप होगी, बहुत पावर नैप होगी, वो बिल्कुल आपको दोबारा से एक एक्टिव मोड में ला के खड़ा कर देगी। इसलिए बीच का जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आप लंच करोगे, लंच के बाद एक रेस्ट लोगे और ये सोच कर लोगे कि मुझे अब बस पढ़ना है, लेकिन मैं जानबूझ के, मुझे मन कर रहा है पढ़ने का लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बॉडी के हिसाब किताब को, इसलिए मैं रेस्ट दूंगा अपने आप को। और उस 1-2 घंटे के टाइम में आप जो कर सकते हो, जो करने का मतलब मोबाइल वोबाइल ये नहीं, जो करने का मतलब रेस्ट हो सके तो लाइट व्लाइट बंद करके अंधेरे में भले ही नींद ना आए, बस लेटे रहो, थोड़ी देर आ जाएगी नहीं पर नैप आएगी एक। उसके बाद जैसे ही आप उठोगे फिर से एक एक्टिव आवर्स का आपको एक पैकेज मिलेगा 4-5 आवर्स का। इस 4-5 आवर्स में आपने पहले ही प्लानिंग की होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। मैं नहीं बता रहा अभी कौन सा सब्जेक्ट, वो आपको पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट को। और ये पहली प्लानिंग हो जानी चाहिए कि कौन सा किस किस टाइम में करना है मुझे, ये नहीं कि उठने के बाद आप सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो वो लोगे। और फिर इस 4-5 आवर्स के बाद आप फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर से आप एग्जॉस्ट हो जाओगे ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, फेडअप हो जाओगे, आप थोड़े थक जाओगे, आपका माइंड थक जाएगा 4 से 5 घंटे की रीडिंग के बाद। फिर इसके बाद वो टाइम आएगा जब आपके लिए लेस एक्टिव वाला टाइम होगा, उसको आप यूटिलाइज करोगे और नाम दोगे एक रिवीजन टाइम के नाम से।
ये आपका रिविजन आवर्स होंगे जिसको आप यूज करोगे 1 से 2 घंटे का। इस रिविजन आवर्स में जो कुछ आपने आज के दिन पढ़ा उसको आप एक थॉरली रिवाइज करोगे, जो कुछ पढ़ा सिर्फ अपनी आंखों के सामने से ले जाओगे एट अ ग्लांस, और 1-2 घंटे बहुत होता है, 1 घंटे में ही आपका सारा रिविजन हो जाएगा पूरे दिन का। इसको अगर आप लेके चलोगे तो 10 घंटे मिनिमम और 14 घंटे मैक्सिमम का ही टाइम शेड्यूल है जो मैंने आपको सामने रखा हुआ, जबकि आपके टोटल वर्किंग आवर्स मेरे हिसाब से लगभग 17 घंटे हैं, क्योंकि 7 घंटे आपने नींद ली है। तो 17 घंटे जो आपके एक्चुअल वर्किंग आवर्स है, उन वर्किंग आवर्स में से 17 में से आपको मैक्सिमम 14 घंटे यूटिलाइज करने हैं, मिनिमम 10 घंटे यूटिलाइज करने हैं। ऐसा आप करोगे सिर्फ और सिर्फ अगर 3 दिन तक, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ट्रैक पे अगर मैं चलता रहा तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। और अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको इस पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, आपको अपनी सिचुएशंस पता होनी चाहिए। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अपने पीछे की जो भी पास्ट परफॉर्मेंसेज है उन्हें भूल कर ये सब काम कर रहा है। अपने ऊपर स्ट्रेस को नहीं आने देना, ये ध्यान रखना, अपने ऊपर निगेटिव थाट्स को नहीं आने देना। निगेटिव थाट्स कैसे आएंगे सुनो, नेगेटिव थॉट्स ये आएंगे कि आप किसी चैप्टर को पढ़ने बैठे ना, आपके मन में ख्याल आ गया यार अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ रहा मैं, अभी तो 10 बचे हुए। आप भूलो मत कि शुरुआत 1 से ही होगी, वो 10 की शुरुआत 1 से होगी। जैसे ही 1 पढ़ोगे 2 पढ़ोगे 3 पढ़ोगे माइंडसेट आपका इतना पावरफुल होता रहेगा कि आप 1 दिन में फिर 2 चैप्टर्स आराम से कर पाओगे। आप ईमानदारी से अपने आप से सवाल पूछो, क्या आपके पास किस चीज़ की कमी है, टाइम की या समझ की? समझ की है सर, टाइम की कमी नहीं है, टाइम की कमी अभी भी नहीं है। क्योंकि आप खुद देखो, क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि सर मैं पूरे दिन भर पढ़ रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरे पास टाइम नहीं? ये सिचुएशन नहीं है आपके साथ। आपके साथ सिचुएशन ये है कि सर मैं पढ़ने बैठा हूँ समझ नहीं आ रहा, फिर मैं यूट्यूब वीडियो सर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब सवाल होगा सर कहाँ से पढ़ें? जहाँ से पढ़ सकते हो पढ़ लो, वन शॉट्स मिल रहे हैं यूट्यूब में पढ़ लो, मैंने फिजिक्स के मैथ्स के वन शॉट बनाया वहाँ से पढ़ लो, अदरवाइज जहाँ से आपको सूटेबल है वहाँ से पढ़ लो, लेकिन पहले से प्रायोरिटाइज कर लो, पहले से फिक्स कर लो। ये नहीं कि ये जो आपका एक्टिव आवर्स का टाइम है इस टाइम में आप ये सर्च कर रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना है, मजा नहीं है फिर इसमें, फिर आपने एग्जॉस्ट कर दिया अपने आप को शुरुआत में। आधी से आधे बच्चों की गलती इन शुरुआती गोल्डन आवर्स में होती है, जो शुरुआत के गोल्डन आवर्स होते हैं, क्योंकि वो इसमें ये चालू करते हैं कि मुझे पढ़ना क्या, ये देखना चालू करते हैं वो, इसमें एजुकेटर्स को ढूंढते हैं यूट्यूब में, किनसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, स्ट्रैटेजीज देखूं, इन चीज़ों में आप टाइम बर्बाद करते हो। स्ट्रैटेजीज देखना, यूट्यूब वीडियो से कुछ समझना, वो सारे काम आपके इन जगहों पे होने चाहिए जो लेस एक्टिव आवर्स हैं आपके। इन एक्टिव आवर्स में, गोल्डन आवर्स में, इन आवर्स में ये गलती कभी मत करना कि आप सर्च कर रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना। नहीं, इसमें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में? ये सवाल ही तय करेगा कि आपकी आगे की जर्नी क्या होगी, आगे के 15 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे हाफ फुल दिखा, कुछ कहते हैं सर मुझे हाफ फुल दिखा, कुछ कहते हैं सर मुझे हाफ एम्प्टी दिखा इसमें ग्लास। हाफ फुल वाले के बारे में कहा जाता है, अगर आपने हाफ एम्प्टी कहा तो आपको कोई कह सकता है कि आप निराशावादी हो, पेसिमिस्ट हो, क्योंकि आप देखते हो आधा खाली, आप ये नहीं देख रहे कि आधा भरा हुआ है। यानी आधा भरा जो इसको बोलता है वो आशावादी है, वो आशावादी है जो देखता है हाफ फुल है करके, यानी वो ऑप्टिमिस्ट है, यानी कि वो चाहता है कि वो पॉजिटिविटी को देखने की ललक है उसके ऊपर। ये कुछ लोग ऐसा जवाब देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा है? कुछ और इससे प्रो किस्म के लोग हैं जो कहते हैं नहीं सर, ये ना तो आधा खाली है ना तो आधा भरा, ये पूरा भरा है, आधा हवा से भरा है आधा पानी से भरा है। ये दूसरी सोच है, ये प्रो लेवल की सोच है, वो एक जनरल सोच है और पुरानी सोच हो गई। आधा भरा गिलास आशावादी, अगर हम बोलेंगे कि प्रो आशावादी वो ये आपके सामने है, ये बोलता है सर आधा खाली आधा भरा, आधा हवा से भरा आधा पानी से भरा, तो हमें तो भरा ही भरा दिखता है, हम तो आशावादी हैं। लेकिन एक अल्ट्रा सोच है, वो मैं ये मानता हूँ, वो सोच कहती है कि पानी आधा भरा हो, पानी का गिलास आधा खाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क जो पड़ने वाला है वो एक बात ध्यान देने वाली है कि गिलास जो हमारे सामने है वो रिफिलेबल है। उस पानी के गिलास को सामने वाले पर निर्भर करता है जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो उसको कैसे देखता है। मान लेते हैं मैं चाहूं तो इस गिलास को पूरा खाली कर सकता हूं और फिर बोल दूं लो खाली है पूरा, मैं चाहूं तो इस आधे भरे गिलास को और आधा भर सकता हूं और फिर मैं कह सकता हूं लो गिलास पूरा भर गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं चाहूं तो इस गिलास में से पूरी हवा निकाल के इसे वैक्यूम में डाल सकता हूं, मैं कह सकता हूं ये पूरी तरीके से खाली हो गया, मैं इसे पूरी तरीके से भी भर सकता हूं। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है सामने वाले पर जिसके हाथ में गिलास है। बस यही चीज आपके साथ है, टाइम जो आपके पास बचा हुआ वो कुछ इसी तरह का है, रिफिलेबल है अभी की सिचुएशन में। अभी की सिचुएशन में आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ग्लास को क्या रखना चाहते हो।
आप अपने बचे हुए टाइम को भरना चाहते हो अपनी मेहनत से, आप बचे हुए टाइम को अपना जो हार्डवर्क बचा हुआ टाइम है उससे फुलफिल करना चाहते हो, या अभी तक की तरह जो खाली था उसे खाली रहने देना चाहते हो? क्या आने वाले 15 दिन के बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो क्या आपको अपने 15 दिन खाली नजर आएंगे, या 15 दिन भरे नजर आएंगे, या 15 दिन आधे खाली आधे भरे नजर आएंगे? ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। जो आप आज काम करोगे वो आपको नेक्स्ट 15 दिन में बताएगा कि आप क्या थे सच में। सिर्फ गिलास को आधा भरा बोल देने से आप आशावादी नहीं बन जाते, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। बस मुझे लगता है कि इस छोटी सी बात के साथ जो मैंने आपको बताई, मुझे आपको छोड़ देना चाहिए यहीं पर, और अगला जो आपकी जर्नी है वो आपकी यहीं से शुरू होती है। वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस माई डियर स्टूडेंट्स। वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। आप अभी पढ़ोगे, वीडियो खत्म होगा, अकेले अकेले अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे होगे, किताबें पढ़ोगे, जूझ रहे होगे क्वेश्चन के साथ, बहुत मुसीबतें आएंगी, फ्रस्ट्रेट महसूस करोगे, आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इतनी चीज़ें पढ़ने को आपको मिल रही, पता नहीं क्या क्या लगेगा आपको। लेकिन फिर यही है, ये आप ही को नहीं लग रहा, बहुतों को लग रहा है, बहुतों को। इस सिचुएशन को हल्का सा ओवरकम करना है, उसके साथ लड़ना नहीं है सिचुएशन के साथ। आप अपने काम करते रहो, आपने जो रूटीन बना रखा उसको फॉलो करते रहो, थॉट्स आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आएंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाया जा सकता है? अपने लिए पहले से इतने स्ट्रांग हमने पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखा हो, इतने स्ट्रांग थॉट्स हमारे पास पहले से मौजूद हो, ऐसी स्ट्रैटेजी हमारे पास मौजूद हो कि हमें नेगेटिव चीज़ों के पास देखने का टाइम ना मिले, टाइम ना मिले, हमें याद ही ना रहे कि नेगेटिव थॉट्स जैसी भी कुछ चीज़ है। तभी हो पाएगा जब आप पहले से उसे स्ट्रेटजाइज करोगे। होपफुली जो कुछ मैंने आपको बताया आप इन्हें फॉलो करोगे। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, व्हाट्सएप लिंक ग्रुप का है, वहाँ ज्वाइन होगे, ताकि मैं यहाँ पे जो भी पीडीएफ्स वगैरह बनाता हूँ, वन शॉट्स वगैरह बनाता हूँ मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, इतनी एंड से अपने एंड से यार हेल्प कर रहा हूँ, दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th के, नीट की अलग प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जेई की अलग प्रिपरेशन मेरी चल रही है, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बावजूद बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अगर मैंने ध्यान दिया तो आप इन चीज़ों का ध्यान फायदा उठाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो सके तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन के आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जरूर बताएं कि आपको ग्लास आधा खाली दिखता है आधा भरा। गुड बाय।